संपत्ति के लालच में कलयुगी बेटों ने सोते समय अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने किया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि पैतृक संबंध के लालच में सोनमति देवी पत्नी स्वर्गीय राम रतन निषाद की 28-29 मार्च की रात में उनके दो पुत्रों और बहू ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसका कारण संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है, जिसमें मृतका के पुत्र रोहित निषाद, पुत्र रामरतन निषाद, राजकुमार निषाद, पुत्र रामरतन निषाद तथा बहू किरण पत्नी राजकुमार निवासी मदरहवा टोला वनगाइन थाना गुलहरिया शामिल है। इनके पास से पुलिस ने दो मोबाइल व एक बिना नंबर का पल्सर बाइक बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, 13-13 डेसिबल मार के जमीन आ गए थे। अच्छा, 13-13 डेसिबल। ये दोनों थाने जबरदस्त एक मैजिक चलाते हैं, जबरदस्त 19-20 साल है। इसकी शादी नहीं हुई अभी, इसलिए इसकी शादी हुई इसकी पत्नी ये और ये एकदम जानवर टाइप के भाई, इनको कोई अफसोस कोई अफसोस हंस रहे हैं भाई। सोचो इसकी राजकुमार बड़ा है, हाँ राजकुमार बड़ा, रोहित छोटा है, राजकुमार पत्नी नाम किरण है। ये बहुत ही क्या कहा जाए, इन दोनों युवकों ने अपनी माँ को खेत बेचने के लिए वो अपने हिस्से की ज़मीन राजी नहीं थी तो उसका गला दबा कर जो है उसकी हत्या कर दिया। इन्होंने 100 नंबर पर ये सूचना दी थी कि जो है हमारी माँ की जो है मृत्यु हो गई है, कोई गला दबा के भाग गया, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिससे जो है और कुछ अन्य भी सुराग थे कि हमारी पुलिस को लगा कि यह मामला इस तरह का सिंपल नहीं है। प्रभारी निरीक्षक गुलरिया और एसीओ साहब लगे रहे, इस मामले का जो है उद्घाटन हुआ है। ये जो मृतका थी सोनमति, इसका ये बड़ा बेटा राजकुमार है, छोटा रोहित है। राजकुमार अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ मिलके सोनमति का गला दबा के हत्या कर दी। नहीं और लोग नहीं शामिल हैं, ये तीनों लोग शामिल हैं, इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।